कामयाब नुमाइंदगी के ऊपर जो एक गाड़ी माल जो आ रहा था जैराबाद से उसको वट्टापल्ली पे रुका गया था पुलिस की जानिब से, मगर सदर महतरम ने पुलिस के आला अधिकारियों से बात करके वो बड़ी गाड़ी का माल पूरा माल चुराने लगाए और वो माल जहां मुकाम पे पहुंचाना था सदर महतरम की दायित्व थी। मैं और हमारे कारपोरेटर्स तमाम मिलकर यहाँ पर आकर जहां नुमा में मुकाम पर वो माल भी पहुंचाए। अफसोस होता है कि डॉक्टर सर्टिफिकेट रहने के बावजूद भी ये पुलिस के ऑफिसर गाड़ियों को रुका रहे हैं और मंजी से इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मोहतरम नसीबे मिल्लत अलहाज बैरिस्टर अकबरुद्दीन अवैसी साहब की नुमाइंदगी के ऊपर ये माल पूरा यहाँ पर आ चुका है। ये मुकाम पर हमारे चौधरी साहब भी है, उनके साथ यहाँ पे माल को उतारा गया है और हम मंजी से इत्तेहादुल मुस्लिमीन यही चाहती है कि ये ईद के मौके के ऊपर बिना रुकावट जो डॉक्टर सर्टिफिकेट लेकर जो बड़ा जनवर लाया जा रहा है हैदराबाद में उसको कोई मत रुकाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर से एक बार मैं सदर मोहतरम नसीबे मिल्लत अलहाज बैरिस्टर अकबरुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि साहब ने नुमाइंदगी करके ये जनवर छुड़ाने लगाए और जो चौधरी साहब यहाँ पर लाए वो बहुत रो रहे थे कि हमारा लाखों रुपए के माल का नुकसान हो जाएगा बोलकर, जब भी सदर मोहतरम में बात करके इनके माल को रिलीज करवाए। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो बकरीद के मौके के ऊपर जो आवाम की खिदमत कर रही है ये बहुत काबिले कबूल है मेरे भाई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी जमात है बरस के 12 महीने आवाम के दरमियान में रहकर आवाम की तकलीफ में रहती है, आवाम के तकलीफ को दूर करने के लिए काम करती है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। शुक्रिया खुदा कर रहे थे भर जाएगी उसके ऊपर।